उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर में बीते शनिवार को नेशनल हाईवे 74 के पास संदिग्ध हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ था। की पहचान जसपाल उर्फ विशाल ग्राम कौशलपुर थाना गदरपुर जिला उधम सिंह नगर के रूप में हुई थी। मृतक युवक डीजे का कार्य करता था। मृतक के भाई धर्मेंद्र सिंह ने थाना गदरपुर में दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी और बताया कि मेरे भाई जसपाल शादी विवाह में डीजे का कार्य रोहित और मोहित के साथ करता था। उन्हीं लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग चार टीमों का गठन कर मुखबिर की सूचना पर एनडीआरएफ कैंप के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के नाम पूछते हुए उनकी तलाशी ली तो एक ने अपना नाम रोहित पुत्र धर्म सिंह निवासी लंगड़ा भोज थाना गदरपुर व दूसरे ने अपना नाम मोहित पुत्र रामपाल निवासी लंगड़ा भोज थाना गदरपुर बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है, हमने विशाल की हत्या कर दी। लंबे समय से डीजे में हमारी हिस्सेदारी चल रही थी जिसके कारण जसपाल हमसे बार बार हिस्सेदारी के पैसे मांगता था, जिसके कारण आपसी मनमुटाव चल रहा था। बीते शनिवार की रात्रि एक पार्टी में डीजे का काम खत्म करने के बाद हम घर आ गए तो जसपाल हिस्सेदारी के पैसे मांगने लगा। उसके साथ हमारी तीखी बहस हुई व हाथापाई हो गई। मैंने उसके पैर व सर में डंडे से बार बार किया जिसमें रोहित ने मेरा सहयोग किया। हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए मोटरसाइकिल से ले जाकर दिनेशपुर अंडरपास के सर्विस रोड पर उतरकर हाईवे के नीचे फेंक दिया। फिर हम लोग घर चले गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर 34/2024 धारा 302 भादवी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। 3 फरवरी की घटना है कि जहाँ पे एक डेड बॉडी हमें मिली थी। ये लगड़ा भोज के पास जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे फ्लाईओवर के पास एक बॉडी मिलने की सूचना थी। इसमें हमें तहरीर धर्मेंद्र सिंह द्वारा दी गई थी। ये नामजद तहरीर थी। दो अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा हमने इसमें पंजीकृत किया था। इन्होंने ये तहरीर दी कि इनके भाई जसपाल उर्फ विशाल, इनके जो है रोहित और मोहित जो दोनों लगड़ा भोज के निवासी हैं, इनके द्वारा हत्या कर दी जाने की तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करते हुए एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर, जो अभी सीओ बाजपुर का भी चार्ज देख रही है, इनके द्वारा पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए इसमें 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। एसओजी के भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहा। तो इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है और दिनांक 7 फरवरी को हमने दो अभियुक्त जो इसमें नामजद है रोहित और मोहित, इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। और इन दोनों ने इनकी पूछताछ द्वारा ये बताया गया है कि डीजे, ये तीनों साथ में डीजे का काम कर रहे थे और इनमें डीजे की साझेदारी को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ उस टाइम। इसके अलावा जो है रोहित की साली के ऊपर भी मृतक की नज़र थी, ऐसा उसको शक था। तो इन चीज़ों का भी उसमें मनमुटाव हो गया था पहले से। तो ये झगड़े का पहले हाथापाई में हुआ परिवर्तन और उसके बाद जो है इन्होंने डंडे से उसकी मृतक की हत्या की थी। तो इसमें जो है हमने अभियुक्तों से एक डंडा जो है घटना का आला कतल है उसको, एक मोटरसाइकिल जिसके द्वारा इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की थी वो मोटरसाइकिल हमने बरामद कर दी है। इसके अलावा मृतक के जूते जो है वो बरामद किए हैं, 2 मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश भी हमने बरामद की है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।